गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों अभी तक अपने 1.2 प्रश्नावली के अंदर यानी कि पहला और दूसरा सवाल बिल्कुल सफलतापूर्वक कर लिए हैं, आज अपन करने वाले हैं तीसरे सवाल के। जितने भी सवाल हो सकेंगे उतने करेंगे, ठीक है दोस्तों। फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तीसरा सवाल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरा सवाल क्या है। तीसरे का जो पहला सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि जो अपना पिछला सवाल किया था उसके अंदर क्या था, यानी कि दो दो संख्याएं थी उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, और साथ में क्या करना था उसकी जाँच भी करनी थी कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ए और बी यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में है या नहीं। और यहाँ पर अपन को तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच नहीं करनी है। अगर सत्यता की जांच करनी होती तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जिसका हालांकि इसके अंदर कहीं यूज नहीं करना है, इन सवालों में यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला बता दिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर अपन फटाफट पहला सवाल है 12 15 21, इसको सॉल्व करते हैं। 12 15 21, 12 15 और 21, इसमें क्या ज्ञात करना है इसका, यानी कि अपन को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम, तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले अपन क्या करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि मैं इसमें 2 का भाग दूंगा 6 आ जाएगा, 2 का भाग दूंगा 3 आ जाएगा, 3 का भाग दूंगा 1 आ जाएगा, 3 × 6 × 12, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 15 का लिखना है अपन को, 15 के अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर लिखना है अपन को 3 का भाग देंगे और 5 बार जाएगा, 5 का भाग दे देंगे 1 बार, 5 × 3 = 15। इसके बाद 21, 21 का जब इसमें 21 के अंदर जब भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 का भाग 1 बार जाएगा, 7 × 21, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है, एच सी एफ ज्ञात करना है। एच सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यानी कि वही जो अपने पास में क्या है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे और लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, इधर लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, इधर लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को क्या देखना है, वही ओबेनिष्ठ घात की सबसे छोटी घात लेनी है, यानी कि ओबेनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पर देखो ओबेनिष्ठ गुणनखंड, सबसे पहले देखो इसके अंदर 2 है, है इसके अंदर नहीं है, नहीं है तो 2 तो किसी में भी नहीं है, सॉरी इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है। इसके बाद 3 देखो, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, मतलब 3 तो अपने पास में है, ठीक है। अब 3 के अंदर भी वो लेना है जो सबसे कम वाली घात है, जिसकी सबसे कम घात है। तो यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तीनों ही समान है, तीनों समान होने पर अपन किसी को भी उठा सकते हैं 3 की पावर 1, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद में और कोई कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया, 3। इसके बाद में एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वही प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 2 और किसी में 2 नहीं है तो 2 की पावर 2 लेनी है, यानी कि सभी में लेनी है इसको, यानी कि एलसीएम के अंदर सभी घातों में से, यानी कि जितनी भी संख्या है अपने पास में अभाज्य संख्या है सभी में से लेनी है। अगर कोई डबल आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो उसमें क्या करना है, सबसे बड़ी वाली घात ले लेनी है। अगर दोनों की समान घात आ रही है तो कोई सा भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, इसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर 3 की पावर 1 3 की पावर 1, तो यहाँ पर देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3 की पावर 1 हो गया। इसके बाद में 5 की पावर 1 और इसके बाद में 7 की पावर 1, इसके बाद में अब कोई संख्या नहीं बची। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 = 12 = 60, 60 × 60 करेंगे तो यहाँ पर 420 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो 420 आ जाएगा और एचसीएफ है वो 420 आ जाएगा। तो अपन से सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा था, इसको फटाफट नोट कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरा सवाल है 17 23, उसके बाद में 29, ठीक है। तो यहाँ पर तो दूसरा सवाल है 17 23 29, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, 17 23 और 29 इनका क्या करना है अपन को, एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है, एच सी एफ व एल सी एम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 ही होगा, क्योंकि 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है संख्या 23, 23 भी एक अपने आप में अभाज्य संख्या, इसके अंदर भी किसी का भाग नहीं जाता। इसके बाद में 29, और 29 के अंदर भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 29 भी एक अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या आ गई। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एचसीएफ
अब यहाँ पर देखो ध्यान से, HCF यानी कि HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो फिर HCF क्या आएगा, जीरो। लेकिन जीरो कभी भी HCF नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जब जीरो HCF आएगा तो यहाँ पर जो अपना HCF है वो जीरो नहीं आएगा, जीरो तो फिर HCF क्या आएगा, कॉमन भी नहीं है, जीरो भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इसको वन लिख सकता हूँ, इसको वन लिख सकता हूँ, इसको वन लिख सकता हूँ, यानी कि इसके मल्टीपल में एक गुणा हो सकता है, यानी किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई करने पर या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर अगर किसी भी संख्या को यानी इन संख्याओं को एक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तीनों के अंदर एक उभयनिष्ठ कॉमन है, यानी कि एक कॉमन है तो अपना HCF क्या होता है, वही तो होता है जो कॉमन होता है तीनों में। तो यहाँ पर एक इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है LCM। LCM के लिए क्या करेंगे, यानी कि सभी में से सभी को लेना है, तो यहाँ पर 17 के अंदर 17 की पावर 1 को ले लेना है, इसमें से 23 की पावर 1 ले लेना है, 29 की पावर 1, इनको सब सबको ले लेना है। तो यहाँ पर सभी को अपन ने ले लिया है। इसके बाद में क्या करना है, HCF 1, ये तो 1 ही है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो, जब मैं 29 को 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 23 नम्बर 207 और 23 दूना 46, ठीक है। तो यहाँ पर 7 6 6 667, जब 6 6 7 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 7 119, 17 6 की 102 और 17 6 की 102, तो यहाँ पर जो इनको जोड़ेंगे तो 9 3 3 1 और 1, 11 339। तो यहाँ पर है जो इसका जो गुणनफल होगा यानी कि एलसीएम होगा वो होगा 11 339, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस सवाल में भी अपन को क्या ज्ञात करना था, HCF और LCM ही ज्ञात करना था, जो कि अपन ने HCF 1 आया है, LCM 11 339 आया है। तो फटाफट इसको भी नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि 8 9 25, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो तीसरा सवाल है वो है 8 9 और 25, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM यानी कि 8 9 25, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के अवैध गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर 8 के अवैध गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 कर सकता हूँ। इसके बाद में 9 9 के अवैध गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 3 की पावर 2। इसके बाद में 5 25 के अवैध गुणनखंड करने हैं तो 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो HCF के लिए वही कंडीशन आ गई, यानी कि किसी के अंदर भी उभयनिष्ठ नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर देखो, 2 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, 3 इसके में नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर वही कंडीशन आ गई। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आता है तो वहाँ पर HCF 1 मान लेना है हमेशा, यानी कि हमेशा हमेशा वहाँ पर HCF 1 होता है जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद में LCM क्या होगा, LCM के लिए अपन को 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसके बाद में 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की पावर 3 8 × 9 × 25। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, 72 × 25 करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 25 6 की 150 और 25 7 175, मैं इनको जोड़ूंगा, 0 10 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 1800, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCF है वो कितना आ चुका है, 1, और LCM कितना आ चुका है, 1800। तो यहाँ पर सवाल में अपन से यही ज्ञात करवाना था, यानी कि यही पूछा था, HCF 1 और LCM 1800। तो फटाफट इसको भी नोट कर लो, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं। यानी कि जो तीसरे सवाल था उसके अंदर, तीसरे सवाल के अंदर 3 सवाल थे जो अपन ने कर लिए। अब यहाँ पर आता है चौथा सवाल, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चौथा सवाल। चौथा सवाल है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, HCF यानी कि HCF दे रखा है 306, यानी कि 2 संख्याओं का HCF दे रखा है, 306 और 657 का है, जो कितना दे रखा है, 9। और LCM दिया हुआ है, LCM है 306 और 657, कितना दे रखा है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर LCM ज्ञात करना है, कुल मिलाकर HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि अपने पास में एक फॉर्मूला था, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM का गुणनफल, या HCF × LCM का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसकी सहायता से यहाँ पर अपन LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं फटाफट सूत्र लिखता हूँ, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, HCF HCF × LCM, ठीक है, बराबर
ए इंटू बी। ए और बी क्या है, वे दोनों संख्या है जिनका अपन को HCF और LCM ज्ञात करना है या ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यानी कि अपन किसका ज्ञात कर रहे हैं, 306 और 657 का LCM ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर HCF और LCM, HCF कितना दे रखा है अपने पास में, 9 दे रखा है। LCM अपन को ज्ञात करना है, तो LCM को LCM ही रहने दो। इसके बाद में ए, वो संख्या कौन सी है, 306, और उसके बाद में है बी, बी कितना है, 657। ठीक है, यहाँ से अपन को LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ से मैं LCM ज्ञात करूंगा, तो 306 इंटू 657 के अंदर किसका भाग जाएगा, 9 का। यानी कि यहाँ की जो गुणा की संख्या होती है मल्टीप्लाई की, वो बराबर के इधर जाती है, तो डिवाइड में चल जाती है, भाग में चल जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं 9 लिखूंगा, और 9 का जब भाग दूंगा तो इसमें भाग दे देता हूँ, इसमें तो 9 का भाग दूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 3 बच गए और 36 हो गए, 9 चौक 36, 34 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं 657 को 657 को 34 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 7 28 का 8 का आंसर पाई, 2 4 5 20 22, 2 6 चौके 24 26, इसके बाद में 7 21, 2 5 15 और 2 17 हासिल पाई, 1 6 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 हासिल पाई, 1 9 2 11 और 1 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22 22 338। तो यहाँ पर तो इसका एलसीएम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 338, 22 338। अपन इसको ज्ञात क्या करना था, अपन को ज्ञात एलसीएम ही ज्ञात करना था, और अपना एलसीएम बिल्कुल आ चुका है 22 338। तो ये अपना आंसर हो चुका है, और इस सवाल में इतना ही पूछा था। तो फटाफट इसको नोट करते हैं, नोट कर लो, इसके बाद में मिलते हैं आगे। यानी कि पांचवा सवाल है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए जो 6n अंक है वो क्या 0 पर समाप्त होता है। तो शायद इसकी लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत कर रही होगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, तो आपको बिल्कुल ही ये निश्चित ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि जो क्या कह रहा है, ये एक कह रहा है कि 6n जो अंक है ये n के मान के लिए 0 पर समाप्त होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। तो इसको समझने से पहले अपन एक काम करते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने माना कि कोई संख्या ली 180 और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 180 ली, इसका अपन गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दिया 90 आ गया, 2 का भाग दे दिया 45 आ गया, और फिर 2 का भाग दे दिया, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको ये पता चलेगा, इसके अंदर मैंने जो ये संख्याओं का भाग दिया है, ये पहली बात तो अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये अभाज्य गुणनखंड है, इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो 180 जो संख्या है अपने पास में, वो यानी कि 2 2 3 3 या 5 से विभाजित तो होगी। यानी कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है, अगर उसके कुछ अभाज्य गुणनखंड हैं, तो यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड। और दूसरी बात, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह हुआ कि इन संख्याओं से ये संख्या विभाजित होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो 5 और 2 है, अगर किसी भी अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 आता है, तो कोई भी संख्या होगी उसका एकाएक अंक 0 होगा निश्चित ही। ठीक है, अपन यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 2 और 5 से विभाजित होगी पूरी तरह। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल चुका है कि अगर किसी भी संख्या के अंदर 2 और 5 है, तो वो 2 से और 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। अब अपन अपने सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर माना कि अपन मान लेते हैं, माना कि 6n अंक, माना कि 6n अंक 0 पर समाप्त होता है, n belongs to, होता है n belongs to n के लिए। यहां पर n है यानी कि प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनेट तक चलती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और अगर प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसके अंदर माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तो वो एक पूर्णांक कहलाता है। तो वो जब अपन चर्चा करेंगे किसी
नेक्स्ट टॉपिक पर, तब बताएंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखना है एन प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इनफाइनेट तक होती है। तो यहाँ पर यानी कि एन का कोई भी मान लें, कोई मान प्राकृत संख्या में से ही लेना है, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो उसके लिए यहाँ पर ये दर्शाना है कि 6n अंक है, यानी कि 6n कोई संख्या है और उसका जो लास्ट का अंक आएगा वो 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ दर्शाना है। तो अपन ने ऐसा मान लिया। अब यदि यदि 6n अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह, अगर 6n अंक 0 पर समाप्त होता है तो 6n यानी कि तो 6n 2 व 5 से विभाजित होगा। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा, जैसे 180 का गुणनखंड किया, उसके अंदर 2 और 5 आ रहा था गुणनखंड में, इसका मतलब 2 और 5 से विभाजित हो रहा था। अपन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, तो भी वो 2 और 5 से विभाजित हो रहा है, और अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तो भी वो 2 और 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या माना कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, यानी कि उसके लास्ट में 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो अपन कह सकते हैं 2 और 5 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसके अपन गुणनखंड करके भी देख लेते हैं। भाई अगर अपन ऐसा मान लिया है कि वो 0 पर समाप्त हो रहा है और उसका गुणनखंड करने पर उसके अंदर 2 और 5 आ जाता है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि अपनी जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी और उसके अंदर 2 और 5 का भाग जाएगा। तो इसके गुणनखंड करो, यानी कि 6n के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करेंगे तो 6n को लिख सकता हूं मैं 2 × 3 की पावर n। तो यहां पर गुणनखंड करने पर तो ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो 6n है, कि 6n है वो उसके अंदर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन ये 2 और 5 से विभाजित कहां हो रही है, नहीं हो रही, ओनली 2 से विभाजित हो रही है। लेकिन शर्त क्या है अपनी, 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए, और 2 और 5 से विभाजित होगी तभी उसका जो लास्ट का अंक है वो 0 आएगा, 6n अंक है 0 आएगा n के मान के लिए। लेकिन यहां पर तो 5 का विभाजित नहीं जा रहा, 5 से विभाजित नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है। अतः यहां पर गुणनखंड यहां पर गुणनखंड करने पर हमें यह पता चलता है कि इसमें 5 का भाग नहीं जाता है, और जब 5 का भाग नहीं जाता है तो अंक, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अपन ने जो पहले धारणा मानी थी, पहले क्या माना था कि ये 6n है जो 0 पर समाप्त होती है, और अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके अंदर 5 का भाग जाना चाहिए। लेकिन यहां पर तो गलत हो गया कि 5 का इसके अंदर गुणनखंड ही नहीं आ रहा। जब 5 का अगर भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब अपन ने जो पहले माना वो गलत है। तो सही फिर क्या है, सही यहाँ पर यह है कि जो 6n है n belongs to n के लिए किसी भी मान के लिए, यहाँ पर ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो बिल्कुल आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं। मेरे हिसाब से आज की क्लास को भी यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो आपको आज जो सवाल करवाएं वो बिल्कुल ही आपको समझ में आए होंगे। अगर ये बिल्कुल आपको सवाल समझ में आए हैं और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।